सर्विस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर ना। तो देखो एग्रीकल्चर के केस में क्या, एग्रीकल्चर तो हमारे इकोनॉमी का बेस है, तो बहुत सारी सर्विसेज जो इसके रिलेशन में एग्रीकल्चर के रिलेशन में वो एग्जेम्प्ट की गई। ओके तो चलो एक एक करके देखते हो। सेवेंथ नंबर, सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके इनके मीनिंग देखिए अपन क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। आगे तो देख, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, कल्टीवेट करना, ग्रो करना, एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, है ना, ग्रो करना एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय व्यू। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है, देखो एक तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, ये पूरी की पूरी सर्विस एग्जेम्प्ट। कौन कौन से देखो इसमें दिया है, पॉइंट नंबर ए टू एच में, पहला एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग। तो ये सब जो एक्टिविटीज है कल्टीवेशन की, टेस्टिंग की, अब टेस्टिंग में सब ही आ गया, वाटर टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, ये सब आ गया, प्लांट टेस्टिंग रहता है या सीड टेस्टिंग रहता है, ये पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट हो गए, ये सब टेस्टिंग की सर्विस एग्जेम्प्ट। देन प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, ये पूरी सर्विसेज एग्जेम्प्ट। देन सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, तो बहुत सारी मैन पावर एजेंसीज रहती है, तो मैन पावर एजेंसी का काम ही क्या है कि जैसे खेत में लेबर लोग लगते, तो मेरे पास में मैं मैन पावर एजेंट हूं, तो जिनके जिनको खेती करना है उन लोगों को मैं क्या करता हूं, लेबर का सप्लाई करता हूं और उनसे पैसे लेता हूं लेबर सप्लाई के बदले में, राइट, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। देन प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, अरे यार एनी सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज एक्सेप्ट। खेती थोड़ी कर रहे हैं भाई, सीएजीएस कर रहे हैं हम लोग, खेती कर रहे हैं कि ये सब की मीनिंग तो मतलब इवन आई डोंट नो, राइट। तो इन शॉर्ट ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आर एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट ये वाला हॉर्स, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, ये इसको स्टड फार्मिंग भी बोलते हैं, स्टड फार्म, आप वर्ड लिख लो स्टड फार्मिंग, राइट, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, वैकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू यूज, एग्रो मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स वगैरह, मेरे पास ट्रैक्टर है, मैंने कोई फार्मर को दिया एग्रो मशीनरी, वैकेंट लैंड, बहुत बार ऐसा होता है कि मान के चलो आपके पास कोई लैंड का टुकड़ा है एग्रीकल्चर लैंड, बट आप उसे नहीं करना चाहते, आप किसी को एग्रीकल्चर लैंड किराए पे दे देते हो, जिसको बटाई भी बोलते, बटाई पे देना, तो वो एग्रीकल्चर लैंड देते हो और उससे आप कंसिडरेशन लेते, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेशन में आप कोई वेयर हाउसिंग कर रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, लोडिंग अनलोडिंग ये सर्विस दे रहे हो, जैसे मैंने कोई लोडिंग अनलोडिंग की सर्विस दिया, पैकेजिंग की सर्विस दिया इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये बात याद रखना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो फिर वो कंप्लीटली मैं जो भी कंसिडरेशन लूंगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। इसे समझने के लिए बेटा खुद को अंदर झांक दो इसके, मतलब ऐसा मानो कि आप ये सर्विस दे रहे तो आपको जल्दी से समझ में आए, अपने ऊपर लो सब चीज, ओके। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज, अभी क्या होता है देखो, बहुत बार आपने सुना होगा ये कोई लोग बीएससी इन एग्रीकल्चर करते, अब ये लोग क्या ये बीएससी इन एग्रीकल्चर करके डिग्री लेके फिर फार्मर्स को एजुकेट करते, फार्मर्स को बताते हैं कि फलाना प्लांट है, जैसे आपने ऑरेंजेस के प्लांट लगाए तो कितना मैन्यूअर डालना है, कितना इंसेक्टिसाइड डालना है आपको, ये सब चीजें वो एजुकेट कर गया। तो ये जो सर्विस मैं आपको दे रहा हूं टू एजुकेट द फार्मर, दिस इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटी, और इसके बदले में मैं आपसे जो पैसा लूंगा दैट इज एक्सेप्ट। देन सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हर शहर में एक कृषि उत्पन्न बाजार समिति होती,
जैसे हमारे कलमना करके, नागपुर में कलमना, हर शहर में एपीएमसी, तो ये जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है वहां पे हर फार्मर अपने ग्रेन्स लेके जाता है और फिर वहां पे बेचता है, फार्मर बेचता है, दलाल लोगों को बेचता है और फिर दलाल आगे किसी और ट्रेडर्स को या बिजनेसमैन को बेचते हैं, क्योंकि फार्मर्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये जो डायरेक्ट शॉपकीपर्स वो नहीं आते, तो ये दलाल के थ्रू आते। तो ये दलाल कहां पे मिलते हैं उनको? कृषि उत्पन्न बाजार समिति। तो वो जो सर्विस दे रहा है आपको कृषि उत्पन्न बाजार समिति या एजेंट जो सर्विस दे रहा है सेल करके देने की, ये पूरी एग्जेम्प्ट। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर एग्जेम्प्ट। फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल वगैरह की सर्विस है, ये सब एग्जेम्प्ट। इन शॉर्ट आपने देखा होगा कि पूरी सर्विसेज इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल लाइक सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस, घोड़ों को पालना, घोड़ों को पालना इज टैक्सेबल। घोड़ों से बड़ी नफरत है गवर्नमेंट को, पता नहीं, याद रखो। और इसको बोलते हैं स्टर फार्मिंग भी बोलते हैं, स्टर फार्मिंग। तो जहां स्टर फार्मिंग दिख गया आपको वहां टैक्सेबल हो जाए, इट इज रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, इसको रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, स्टर फार्म। ओके, तो ये सब है, पहले देख लो एक बार। एग्रीकल्चर ऑपरेशन लाइक कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, देन सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, याद रहेगा सब, मैंने एग्जाम्पल दिए, सबके एग्जाम्पल दिया, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। देन ये सब पूरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस, एग्रो मशीनरी या फिर वैकेंट लैंड आपने किसी को किराए पे दी, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टू एजुकेट द फार्मर्स, फिर एक कृषि उत्पन्न बाजार समिति एंड फ्यूमिगेशन। ओके, फिर उसका मीनिंग है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का, ऑलरेडी बता दी, टू एजुकेट द फार्मर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमिटी, मार्केटिंग बोर्ड, ये भी बताया आपको, कृषि उत्पन्न बाजार समिति एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अभी भी देख लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी आईएमपी वर्ड, इसको समझ के अपन क्या है। देख, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे? देखो, मीन्स एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एक्सेप्ट हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट ऑन विच ईदर नो फर्दर प्रोसेसिंग इज डन और सच अ प्रोसेसिंग इज डन एज इज यूजुअली डन बाय द कल्टिवेटर विच डज नॉट ऑल्टर इट्स इसेंशियल कैरेक्टर बट मेक्स इट मार्केटेबल मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। मतलब क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब होता है जो जनरली कल्टीवेटर प्रोड्यूस करता है, कल्टीवेटर मतलब कौन? फार्मर, जो कल्टीवेट करता है वो प्रोड्यूस करता है और उस पर जनरली तो कोई प्रोसेस नहीं किया जाता, बट अगर प्रोसेस किया भी गया तो ऐसा प्रोसेस होना चाहिए विच डज नॉट चेंज इट्स इसेंशियल कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसका कैरेक्टर चेंज हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो हम उस प्रोसेस को एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं बोलेंगे और उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी नहीं बोलेंगे प्रोडक्ट। ओके, जैसे एग्जाम्पल में दू आपको, तो आपने टोमेटो से टोमेटो केचप बनवाए या पोटैटो से पोटैटो चिप्स बनवाए, अरे उसका इसेंशियल कैरेक्टर ही चेंज हो गया, तो पोटैटो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट क्या पोटैटो चिप्स भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगे? ऑफकोर्स नॉट। टोमेटो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट टोमेटो केचप इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं बनाना, राइपनिंग प्रोसेस जो रहती है, राइपनिंग की प्रोसेस, राइपनिंग प्रोसेस क्या होती है बेटा? इट डज नॉट चेंज द कैरेक्टर ऑफ फ्रूट्स, कैरेक्टर चेंज नहीं कर, देन इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, तो जनरली तो उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, प्रोसेस होती है तो उसके कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे। सिंपल। कुछ एस्पेक्ट्स, अदर एस्पेक्ट देखो, प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक रबर, ग्रीन टी, कॉफी आर ऑल्सो कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, है ना, ये भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, यस, इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय एंट्री नंबर 54, जो ये एंट्री हमारी एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, ये सब आ जाएंगे। पोटैटो चिप्स और टोमेटो केचप डू नॉट क्वालिफाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये अभी बताया आपको, है ना, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, इट चेंजेस इसेंशियल कैरेक्टर जो प्रोड्यूस के वो चेंज हो गए, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं, तो इट इज टैक्सेबल, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देन टेस्टिंग एक्टिविटीज आर कवर्ड इन एग्जेम्प्शन,
मैंने बताया आपको टेस्टिंग सब आ गया, फॉर एग्जाम्पल सीड टेस्टिंग, देन सॉइल टेस्टिंग, प्लांट टेस्टिंग, ये सब आ गए इसमें. ओके, ऑल द एक्टिविटीज. एंड लास्ट वन, प्रोसेस की कॉफी प्रोसेस का, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस की. प्रोसेस मतलब टी, मतलब कौन से बेटा, टी के जब लीव्स प्लग किए जाते हैं उसके बाद उसके ऊपर रोस्टिंग की प्रोसेस, ड्राइंग की प्रोसेस, ये सब प्रोसेसेस किए जाते हैं. उसकी एक फैक्ट्रीज है, आप अगर केरला में गए होंगे तो वहां पे मुन्नार करके एक प्लेस है केरला में, तो मुन्नार में ये टी की, टाटा टी की बहुत बड़ी फैक्ट्री, तो वहां पे ये सब प्रोसेस होते हैं और फिर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड या डी ग्रेड की टी निकलती चाय निकलती. और आपको जान के एकदम शॉक लगेगा कि हमारे इंडिया में जो बिकती है वो सी ग्रेड टी है, और फिर भी हम बोलते कड़क चाय टाटा टी. जो ए ग्रेड टी रहती है, जो एक्चुअल चाय, वो एक्सपोर्ट होती, वो हम लोग पी नहीं सकते, राधर पीते भी नहीं, राइट, तो वो अलग ही है. तो देखो आप, ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी नॉट अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये अलग है, ये अलग है, इसके साथ कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये प्रोसेस किया हुआ है. इसके ऊपर टी यूज फॉर मेकिंग द बिवरेजेस सच एज ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट. ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, प्रोसेस, तो इसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज प्रोसेस प्रोडक्ट. इन अ टी फैक्ट्रीज आफ्टर कैरिंग आउट सेवरल प्रोसेस सच एज ड्राइंग, रोलिंग, शेपिंग, रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन, पैकिंग ऑन अ ग्रीन लीफ एंड प्रोसेस्ड आउटपुट ऑफ द सेम, एंड हिंस इट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ओके, दस द ग्रीन टी लीव्स आर एंड नॉट अ टी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब ग्रीन टी के लीव्स जो रहते, जो लीव जो प्लग करते, आपने देखा होगा वो चाय के पैकेट जो रहते उसके ऊपर वो लेडी लोग दिखाते जो टी के लीव्स प्लग कर, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ओके, बट ये जो सब प्रोसेस होती है उसके बाद उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कहा जाता. देन जेरी, गुड़, शुगर केन से बनता है, तो शुगर केन हैज डिफरेंट एंड जेगरी इज डिफरेंट, तो उसके ऊपर प्रोसेस करने से वो बनता है, तो उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, एसेंशियल कैरेक्टर शुगर केन का, तो इट इज जेगरी इज अगेन नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. देखो ये ध्यान में रखो सब. सिमिलरली प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इन टू जेगरी चेंजेस इट्स इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, दस जेगरी इज नॉट अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सिंपल. पल्सेस डिहस्क और स्प्लिट, जो पल्सेस दाल वाल रहती है, देखा होगा आपने, एक छिलटे वाली दाल होती है और फिर उसको, वो छिलटे वाली दाल को डिहस्क करवाया जाता है, पॉलिश, आप देखते होगे तुअर दाल या चना दाल पॉलिश रहते, तो ये जो पॉलिश वाली चीज है दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. हाँ, लेकिन जो छिलके वाली रहेगी, जो एक्चुअल कल्टीवेशन के बाद निकलती है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ओके, तो उस प्रोसेस को, उसके छिलटे उल्टे सब निकाले जाते हैं, उसको डिहस्किंग और स्प्लिटिंग प्रोसेस बोलते हैं, इट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है. लेकिन देखो, छिलटे वाली जो मैंने बोला, होल ग्रेन पल्स, हाउएवर होल पल्स ग्रेन सच एज होल ग्राम, राजमा आर कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब एग्रीकल्चर है, राजमा होगा. प्रोसेस प्रोडक्ट सच एज, इट इज अगेन, ये वही पॉइंट है, नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. तो इसके ऊपर फिर सबके ऊपर जीएसटी. ओके, सिंपल. चल एक बार नजर मार, ये अंदर का पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं, इसका मैंने बस यहां पे सामने लिख दिया, अपने टैक्सेबल को भी चल जाए, तो जैगरी इज टैक्सेबल. कहने का मतलब, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, जो कल्टीवेशन से निकल रहा है या फिर प्रोसेस हो रही है कल्टीवेशन के बाद, बट इट डज नॉट चेंजेस द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को प्रोसेस की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलें, और अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो एग्जेम्प्ट, नहीं तो फिर टैक्स. अगेन, स्टर्ड फार्मिंग, मैं याद दिला रहा हूं आपको, स्टर्ड फार्मिंग इज टैक्सेबल, गोरों को पालना. देन इट, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स. इंटरमीडिएट प्रोसेस आपने क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए जॉब वर्क वगैरह की प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोसेस मतलब जॉब वर्क की प्रोसेस, दैट इज एक्सेप्ट. टूडे कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज ए जॉब वर्क, देख तो ये प्रोसेस एग्जाम्पल, जैसे
आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए कोई जॉब वर्क की प्रोसेस लिया, दैट इज इंटरमीडिएट प्रोसेस. तो इट इज एग्जिस्ट इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ लाइफ एंड फॉर्म्स ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड फाइबर रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोसेस इज एक्सेप्ट. ओके, फिर एक सर्कुलर आया था 2017 में, मिलिंग ऑफ पैडी इन टू राइस. मिलिंग ऑफ पैडी क्या होता है मालूम है आपको? ये धान वगैरह जो रहते हैं ना, राइस मतलब पहले पैडी जिसको हम बोलते हैं, और फिर उसको साफ करने के बाद अनपॉलिश्ड राइस रहता है. ध्यान दो, पैडी इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ना, पैडी इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ध्यान से सुनो, पैडी इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बट राइस इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. राइस इज नॉट, क्योंकि जब कल्टीवेशन के बाद राइस नहीं उगता है, पैडी उगता है, और वो पैडी को मिलिंग सर्विस देके मतलब उसको साफ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, उसके बाद राइस बनता है. तो राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी इज एग्रीकल्चर. तो सवाल ये उठा कि पैडी को राइस में कन्वर्ट करने वाली जो सर्विस है, क्या वो एग्रीकल्चर सर्विस है? तो इसका सर्कुलर आया, उन्होंने बोला कन्वर्जन और मिलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस इज नॉट अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. एंड इफ इट इज नॉट एग्रीकल्चर, मतलब ये अगर एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं है और राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तो इसके ऊपर फिर जीएसटी लगेगा. ओके, तो देखो वहां पे बोलता है ऑल्सो जब मिलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस आप करते हो, है ना, मिलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस, इट चेंजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैडी. राइस पैडी की कैरेक्टरिस्टिक चेंज करता है, हेंस बींग इट चेंजेस द कैरेक्टरिस्टिक, ये अब आप लोगों के लिए टैक्सेबल मतलब जीएसटी लग जाएगा. देख, मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट ए इंटरमीडिएट प्रोसेस. और एक पॉइंट, मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट ए इंटरमीडिएट प्रोसेस, मिलिंग ऑफ पैडी ये कल्टीवेशन के बाद किया जाता है. इट इज नॉट इंटरमीडिएट प्रोसेस फॉर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन के बाद किया जाता है. हेंस ये क्लॉज में एग्जाम में देखो, मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स. इट इज द प्रोसेस कैरिड आउट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इज ओवर. कल्टीवेशन होने के बाद फिर मिलिंग प्रोसेस होता है एंड पैडी हैज बीन हार्वेस्टेड. फर्दर द प्रोसेसिंग ऑफ पैडी इन टू राइस इज यूजली कैरिड आउट बाय द कल्टीवेटर्स, नॉट बाय कल्टीवेटर्स बट बाय राइस मिलर्स. देन इंपॉर्टेंट लाइन, मिलिंग ऑफ पैडी इन टू राइस चेंजेस द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, उसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं. एंड हेंस देखो, मिलिंग ऑफ पैडी इन टू राइस इज नॉट कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट प्रोसेस इन रिलेशन टू द कल्टीवेशन एंड देयर फोर ये जो रहेगा इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कितना परसेंट? 5%. ओके, तो दो रीजन है गाइस. पहला रीजन कि मिलिंग ऑफ पैडी इन टू राइस इज नॉट इंटरमीडिएट प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन, और मिलिंग प्रोसेस से क्या हो जाता है, पैडी की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाता है. एंड हेंस इट इज नॉट अ एग्जेम्प्टेड सर्विस, इट इज अ टैक्स. ओके, उसके ऊपर 5% जीएसटी. देन नेक्स्ट, फ्यूमिगेशन सर्विस. फ्यूमिगेशन देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट. तो ऑलरेडी भी देख लिए, फ्यूमिगेशन मतलब मैंने बताया पेस्ट कंट्रोल की सर्विस. पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, कीड़े वगैरह होते हैं सब, दीमक लगती है तो उसके लिए. देन नई एंट्री आ गई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस. हर जगह हॉर्सेस को एक्सक्लूड किया है ना. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है? यहां पे क्या करता है कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्पर्म सेल्स ऑफ अ मेल एनिमल और उसको फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालते, मेल एनिमल के स्पर्म्स कलेक्ट करते और उसको फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालने की जो सर्विस जो भी देंगे, है ना, वो सर्विस एग्जेम्प्ट कर, उसको बोलते आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन की सर्विस फॉर लाइफ स्टॉक. ओके, समझिए आपको सिंपल एग्जेम्प्ट अदर देन हॉर्सेस. ये सर्विस अगर हॉर्सेस के रिलेशन में तो फिर वो टैक्स. देन लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज एंड वेयरहाउस ऑफ राइस. देखो ये एंट्री अलग से क्यों देना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेशन में लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयरहाउस जो है ये सर्विस हमने ऑलरेडी देख लिया, ये सर देखो लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज, ये अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो ये तो एंट्री नंबर मतलब ये जो हमने 7 नंबर का पॉइंट देखा उसी में आ गया। बट बींग राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके लिए एक नई एंट्री उनको बनवानी पड़ी। तो अब राइस के क्योंकि अल्टीमेटली देखो राइस इज मेन फूड फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन साउथ एरिया राइट, तो उसके रिलेशन में लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वेयरहाउसिंग दो इट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट फिर भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। अगर इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे तो राइस का भाव बढ़ जाएंगे और अगर भाव बढ़ेगा तो फिर लोगों को परचेस करना उनके लिए मेन फूड है तो इसलिए एक नई एंट्री बनवाना पड़ा। ओके तो इसके लिए इसमें उन्होंने बोला लोडिंग अनलोडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी एग्जेम्प्ट है और राइस का भी एग्जेम्प्ट राइट, स्टोरेज वेयरहाउसिंग ये सब प्रोसेस राइस के रिलेशन में भी एग्जेम्प्ट। देन वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल, ये भी नए एंट्री है। फॉर एग्जाम्पल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आता है, बाम्बू, तेंदू लीव्स वगैरह रहते हैं। तो ये सब सर्विसेज बाय वेयरहाउसिंग ऑफ अ माइनर, तो इनका वेयरहाउसिंग करना तेंदू लीव्स का, बीड़ी पत्ता वगैरह, बाम्बू का, ये सब भी एग्जेम्प्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब नई एंट्रीज। ओके तो ये अलग अलग है, जैसे 9-10 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देन सब अलग अलग एंट्रीज। ओके बट दीज आर ऑल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रिलेशन देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग मतलब चीकूस वगैरह रहते हैं उनके केस में, प्लक करते समय प्री कंडीशनिंग किया जाता है, प्री कूलिंग, राइपनिंग बनाना के केस में, वैक्सिंग ये एप्पल्स पे किया जाता है, रिटेल पैकिंग है ना, फिर उसका पैकिंग मैंगोज वगैरह का पैकिंग किया जाता है या लीची का पैकिंग किया जाता है रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑन फ्रूट्स आपने देखा होगा मैंगो वगैरह पे वो लेबल वगैरह लगाए जाते हैं, एंड वेजिटेबल विच डू नॉट ऑल्टर और ऑल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेड फ्रूट और वेजिटेबल। तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं लेबलिंग की या रिटेल पैकिंग की, इसके वजह से कोई उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एप्पल पे आपने वो स्टिकर लगवाया तो उसका कोई कैरेक्टर चेंज होता है, ऑफकोर्स नो, तो ये लेबलिंग की प्रोसेस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। या फिर लीची को आपने पैक करवाया 6-6 के पैक में, या मैंगोस को आपने पैक करवाया फ्रूट्स है ना, इसको पैक करवाया तो इज दैट चेंज द इसेंशियल कैरेक्टर, ऑफकोर्स नॉट, तो दैट सर्विस इज ऑल्सो पैकिंग, रिटेल पैकिंग की एग्जेम्प्ट राइट। तो ऐसी सर्विस इन रिलेशन टू फ्रूट कौन कौन सी, विच डू नॉट ऑल्टर और चेंज द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रूट्स, लाइक मैंने बोला राइपनिंग, बनाना का राइपनिंग होता है, इट डज नॉट चेंज। बट हाँ अब बनाने के आप चिप्स बना रहे हो, बनाना का चिप्स, इट चेंजेस द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज नॉट एक्सेप्ट, गेटिंग द पॉइंट, बनाना का चिप्स इट इज एक्सेप्ट, बट कच्चा बनाना इंटू पका हुआ बनाना, राइपनिंग प्रोसेस इट इज नॉट एक्सेप्ट। ओके बहुत बड़े बड़े चेम्बर्स रहते राइपनिंग करने के लिए, आजकल तो आर्टिफिशियल राइपनिंग ही होता है, नेचुरल राइपनिंग तो होने ही नहीं देते राइट। तो ये सब सर्विसेज एग्जेम्प्ट। देन ये कुछ खास नहीं पढ़ के रख दो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनसीसीडी नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन आर एग्जेम्प्ट। तो ये एक बॉडी नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट ये सर्विस दे रहा है, किस चीज की, नॉलेज बांट रहा है, कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन, तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट, खास नहीं पढ़ गया। ओके सो ये पूरे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस होगी, आप एक बार उसको फटाफट गो थ्रू करो और फिर लेक्चर को पॉज करके न्यूमेरिक, लेकिन मैं अभी आपको करवा देता हूं। देख एग्रोकेयर लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फर्निशेस यू द फॉलोइंग डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय देम। ओके रिसिप्ट फ्रॉम सप्लाई ऑफ फार्म लेबर सप्लाई इट इज एग्जेम्प्ट। देख क्या हम लोग, चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग एग्जेम्प्ट, चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग एग्जेम्प्ट, चार्जेस फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, वेयरहाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एग्जेम्प्ट, पोटैटो चिप्स इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टैक्सेबल, अगर पोटैटो होता तो एग्जेम्प्ट, यहां पोटैटो चिप्स का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयरहाउसिंग टैक्स, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीट अगेन इट इज एग्जेम्प्ट,
वो एग्रीकल्चर कमिटी वाली सर्विस, चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ द फार्मर फॉर न्यू पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटी एग्जेम्प्ट, रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड फॉर स्टड फार्मिंग इट इज टैक्सेबल स्टड फार्म, देन लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू कैटल फार्म एग्जेम्प्ट, चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है राइस बताया था लेकिन इट इज एग्जेम्प्ट राइस की अलग से एंट्री, चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन फेब्रिक्स इट इज टैक्सेबल, कॉटन फेब्रिक्स फेब्रिक्स आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट, रिटेल पैकिंग लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी अज्यूम की डज नॉट चेंज द इसेंशियल कैरेक्टर एग्जेम्प्ट, चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इट इज एक्स, ओके कितना सिंपल है तो देखो कितना टैक्स कौन कौन टैक्सेबल है, एक दो मतलब 85,000 एंड 1,85,000 एंड दिस इज 2 लाख, देख 85,000 पोटैटो चिप्स वाला, 1,85,000 स्टर्ड फार्म एंड दिस 2 लाख कॉटन फैब्रिक्स, सो ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सरप्लस, कितना सिंपल रहता है बताओ कुछ कठिन है नहीं, बस एक बार जब मैं पढ़ा रहूंगा लेक्चर में तब आप ध्यान दो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं वो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और वो एग्जाम्पल के बेसिस पे ही ये सब इंक्रीज रहेगी जो क्वेश्चन आपको दी, तो वो एग्जाम्पल्स वहां पे लिख के रखो आप सब, और आपको समझ रहा है मैंने कितनी आसानी करके दी आपको कि वो कैटेगरी में जो भी सर्विस आती वो एक साथ आपको दे दी, तो उससे आपको ध्यान में रखने में आसानी हो, ओके okay?